on, come on. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अजीज। क्या हाल चाल है दोस्तों? बचपन में चिड़ियाघर की सैर एक जबरदस्त तफरी होती, और क्यों ना होती, घूमना फिरना भी हो जाता था और जंगली हयात के बारे में कुछ मालूमात भी मिल जाती थी। लेकिन फिर हम बड़े हो गए और तफरी के जराए भी तब्दील हो गए। लेकिन जनाब, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए और हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें चिड़ियाघर की सैर कराई जाए। इसी बहाने हम भी जरा जमाने के बाद चिड़ियाघर को देख लेंगे और बच्चों को भी जानवरों को जरा करीब से देखने का मौका मिलेगा। और वैसे भी द जंगल बुक देखने के बाद, अरे भाई वो मुगली वाली स्टोरी, बच्चों को बड़ा इश्तियाक हो गया और शौक पैदा हो गया है कि जरा शेर खान, बघीरा और बलू को हकीकत में देखें। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं आज, तो आप भी चले हमारे साथ और एंजॉय करें। कराची जूलॉजिकल गार्डन, जिसे बच्चे चिड़ियाघर और बड़े गांधी गार्डन के नाम से याद करते हैं, ये कराची की पहचान और अहले कराची के लिए एक अच्छी और सस्ती तफरी है। कयाम पाकिस्तान से कबल ये गांधी गार्डन कहलाता था, फिर 1954 में इसे कराची जूलॉजिकल गार्डन का नाम दे दिया गया। ये कराची के कदीम तरीन पार्क में से एक है। इसकी तारीख तालपुर अहद से मिलती है। दो हाथी हैं, एक का नाम मधु है और एक का नाम मलका है। ये थोड़े से दांत, ये मधु है और ये मलका है। कैसा एलिफेंट है? कैसा लगा आपको, बताएं तो सही। और क्या क्या देखा आपने एलिफेंट में? और हिरन देखी और कबूतर भी देखी। वो खाली पिंजरा है। ये बारादरी टाइप कोई जगह है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है ताला और शायद ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए खोला जाता है। घने और कदीम दरख्त यहाँ की खास पहचान है। यहाँ तकरीबन 100-150 साल पुराने इमली, बड़ और दीगर अकसाम के दरख्त मौजूद हैं। चलिए चलिए चलिए।
फीलिंग ही नहीं होगी। مخیر حضرات کے ناموں کی تختیوں پر درج تاریخ کو دیکھ کر چڑیا گھر کی قدامت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
चिड़ियाघर के बीचों बीच 1883 में पारसी कम्युनिटी की जानिब से तामीर किया जाने वाला फवारा भी मौजूद है, जो आज भी अच्छी हालत में है।